सो गाइस फाइनली अब हमारे पास आ चुका है मोबाइल टेलीस्कोप लेंस। सो गाइस ये वही लेंस है जो आपने टिकटॉक के अंदर या फिर कहीं और देखा होगा। सो गाइस आप इस लेंस की मदद से अपने टिकटॉक की वीडियोस को बना सकते हो। सो गाइस अगर आपने काफी सारी टिकटॉक वीडियोस या फिर कहीं और देखा होगा तो उस वीडियोस के अंदर बताया जाता है कि आप इस लेंस की मदद से जूम कर सकते हो या फिर DSLR जैसी फोटोज को क्लिक कर सकते हो या फिर पीछे ब्लर कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि क्या आपको एक टेलीस्कोप कैमरा लेंस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या इससे सही में ही आप DSLR जैसी फोटोज को या फिर अपने टिकटॉक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। सो गाइस अगर आप इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके टिकटॉक की वीडियोस अच्छी बने या फिर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस DSLR जैसी बने, सो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। इसका प्राइस 500 से लेकर 600 रुपए है। सो मैं बताऊंगा कि क्या आपको ये लेंस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले तो हम इस मोबाइल फोन टेलीस्कोप की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर 500 से 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। सो गाइस ये सबसे चीपेस्ट है, बट इससे महंगे महंगे भी आते हैं जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा होती है, बट ये इतना खास नहीं है। सो सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए, फिर इसका रिव्यू देने वाला। सो सबसे पहले तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं इसको पहले ही ओपन करके देख चुका हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा मोबाइल फोन टेलीस्कोप लेंस। सो ये है हमारा वो वाला लेंस। सो इसको सबसे पहले तो आपने इस टाइप से ओपन करना होगा और ये इसका ढक्कन को यहाँ पर आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पर आपको एक और ढक्कन मिलता है, इसको भी आपने रिमूव कर देना है। और ये है इसकी क्लिप जो आपके फोन के ऊपर लगने वाली है। बट गाइस इसके अंदर आपको कोई भी मोबाइल माउंट होल्डर नहीं मिलता है, यानी कि वो जो कैमरा स्टैंड होता है आपको वैसा नहीं मिलता है। बट ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है, काफी सारे आपको इन प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है बट काफी सारे के अंदर नहीं मिलता है। बट ये जो लेंस है वो बिल्कुल सेम है जैसे बाकी के अंदर होता है। सो ये बिल्कुल वही है बट इसके अंदर मुझे वो नहीं मिला है। सो आप वैसा भी ले सकते हैं। सो आप जान लेते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए और आप इसका यूज कैसे कर सकते हो। और साथ ही में इसके अंदर आपको मिलता है एक कपड़ा, इससे आप इन लेंस को यहाँ पर साफ कर सकते हो। आप चाहे तो इनको साफ कर सकते हैं, अगर इनके ऊपर मिट्टी लग जाए तो आप इन्हें साफ कर सकते हो। सो अभी मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपने इस क्लिप को इस टाइप से आपके कैमरे के ऊपर लगाना होगा। ये जो सर्कल है इसको आपने अपने कैमरे के ऊपर इस टाइप से यहाँ पर फिट कर देना है। उसके बाद आपने इसको उठाना है और जहां से ये छोटे वाला लेंस है इसको यहां पर आपने स्क्रॉल करना होगा। इसके अंदर आपने इसको फिट कर, तो यहां पर आपने इसको राउंड करना है, इसको यहां पर घुमाना होगा। सो गाइस यहां पर आपने इसको राउंड करना है, उसके बाद ये डल जाएगा। बट इसके साथ आपको कोई भी मोबाइल माउंट होल्डर नहीं मिलता है। तो गाइस आपको ये और भी दे सकते हैं, इसका प्राइस लगभग सेम होता है बट ये जो लेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम आता है। उसके बाद अब आपने आपका कैमरा ओपन कर लेना है। सो आपका कैमरा यहां पर ओपन हो चुका है बट यहां पर आप देख सकते हो अभी यहां पर ये जूम नहीं है, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर आपके सामने ये आ जाता है। सो अभी आप इस वीडियो के अंदर तो इसको सही टाइप से नहीं देख पा रहे होंगे बट मैं आपको इसका एक्सपीरियंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। गाइस अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसका जो ब्लर है इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो गाइस आपने इसको घुमा देना है और उसके बाद यहाँ पर इसका ब्लर यहाँ पर चेंज हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर आप इस वीडियो के अंदर नहीं देख पा रहे होंगे बट यहाँ पर ये कुछ कुछ चेंज हो जाता है। सो गाइस इसका प्राइस यहाँ पर 500 रुपए है। और अब जान लेते हैं कि क्या आप इसका यूज अपने टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए कर सकते हो या फिर क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो गाइस मैं बता दूं कि आपको ये नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपकी वीडियो को जूम ही करता है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप इसको एक बार खरीद कर देखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे वापस कर सकते हो और आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। बट मैं बताऊंगा कि अगर आप इसको टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए यूज करना चाहते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ आपकी वीडियो को जूम करेगा और जूम तो आप अपने टिकटॉक के अंदर से ही कर सकते हो, यानी कि आप चाहे तो आपके नॉर्मल कैमरा से भी, आपके फोन की कैमरा से भी जूम कर सकते हो। सो गाइस जो आपने कई वीडियो देखी होंगी टिकटॉक के ऊपर, सो गाइस वो एक नॉर्मल वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर ये लेंस सिर्फ जूम ही कर रहा था ना कि उसको ब्लर कर रहा था। सो ये इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट आने वाला है ब्लर का, क्योंकि अगर आप इसे घुमाओगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि इसका प्राइस 500 से 600 है। बट जो इससे महंगे वाले लेंस मिलते हैं शायद उससे ये ब्लर कर दे, बट ये जो 500 से लेकर 600 700 रुपए के अंदर आते हैं इससे आपका कुछ ज्यादा ब्लर नहीं होने वाला है, ना ही आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी आने वाली है। सो गाइस अगर आप इसको एक बार खरीद कर देखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं क्योंकि आप इसे वापस कर सकते हैं और आपके रुपए भी वापस मिल जाएंगे। सो आप इसको एक बार चेक करके अगर आप देखना चाहें तो दे सकते हैं।
बट अगर आप इसे DSLR समझ कर लेना चाहते हैं तो आप इसे मत लीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया काफी मिलने वाले हैं। आप चाहे तो कोई कैमरा खरीद सकते हैं, असली वाला DSLR वो थोड़ा महंगा मिलेगा, बट इससे 100 गुना वो बेस्ट होने वाला है। बट अगर आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जूम काफी बढ़िया कर देता है और ये इतना भी खराब नहीं है। सो आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे TikTok के ऊपर फॉलो कर लेना, दारोबिन चावला यूजर नेम है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।